फाइंड करनी है हमें वैल्यू ऑफ एन, सो दैट ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये जीएम जो है ज्योमेट्रिक मीन है। तो ए की एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन जो है वो हमें ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है ए और बी का। तो ज्योमेट्रिक मीन हम निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी का अंडर रूट। तो ये सिचुएशन हमें गिवन है और फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एन। तो सबसे पहले हम अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देते हैं। तो राइट हैंड साइड में तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमें होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो इसे ओपन करते हैं। तो पहले न्यूमरेटर में ए की एन प्लस वन प्लस बी की एन प्लस वन का होल स्क्वायर खोलते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। तो ए की पावर एन प्लस वन का स्क्वायर कराएंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा ए की पावर टू एन प्लस टू। एन प्लस वन को हमने टू से मल्टीप्लाई करा दिया। और सिमिलरली बी की एन प्लस वन का स्क्वायर कराएंगे तो वो भी बी की टू एन प्लस टू हो जाएगा और प्लस टू ए बी होता है। तो टू इंटू ए हो गया हमारा ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू में ए इंटू बी एज इट इज़ है। अभी अपॉन में डिनोमिनेटर रहता है तो डिनोमिनेटर में भी ए की एन प्लस बी की एन का होल स्क्वायर खोलते हैं। तो ए की एन का स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर टू एन प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू इंटू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ये हमने होल स्क्वायर खोल दिया है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा ए की पावर टू एन प्लस टू प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू प्लस टू ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू। अब यहाँ ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर। तो ए बी इंटू में ए की पावर टू एन कराएंगे तो ए की पावर टू एन इंटू में जो ए है इन दोनों की पावर जो है ऐड हो सकती है। ए की पावर टू एन और ए की पावर वन ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा ए की पावर टू एन प्लस वन और इनटू में बच गया बी और प्लस में बी की पावर टू एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली ए एज इट इज रहेगा और बी की पावर टू एन इंटू बी ये हो जाएगा टू एन प्लस वन। और टू ए की एन बी की एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टू एज इट इज़ और ए की एन से भी ए मल्टीप्लाई होके एक पावर ऐड हो जाएगी ए की एन प्लस वन हो जाएगा और बी की पावर में भी एक पावर ऐड हो जाएगी तो बी की एन प्लस वन हो जाएगा। नाउ ये जो टू ए की पावर एन प्लस वन है इसे जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास ये सेम टर्म है टू ए की एन माइनस वन सॉरी ए की एन प्लस वन बी की एन प्लस वन। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास बची ये चार टर्म दो लेफ्ट हैंड साइड में दो राइट हैंड साइड में। तो हम ए की पावर टू एन प्लस टू ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड से ये जो टर्म है ए टू की एन प्लस वन इंटू बी ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ए की पावर टू एन प्लस वन इंटू में बी। ये हम इसलिए लेके आए क्योंकि इन दोनों के पास ए की पावर सबसे ज़्यादा है टू एन प्लस वन और टू एन प्लस टू है तो वो कॉमन ले सकेंगे हम। और सिमिलरली दूसरी तरफ जो है ए इंटू बी की पावर टू एन प्लस वन है और हम लेफ्ट हैंड साइड से भेजेंगे बी की पावर टू एन प्लस टू को तो वो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में से हम ए की पावर टू एन प्लस वन कॉमन ले सकते हैं। तो ए की टू एन प्लस टू में से टू एन प्लस वन चला जाएगा तो बचेगा वो सिर्फ ए और नेगेटिव का साइन और ए की टू एन प्लस वन इंटू बी में से ए की टू एन प्लस वन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा बी। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में से बी की पावर टू एन प्लस वन कॉमन ले लेते हैं और यहाँ भी हमारे पास बचेगा ए माइनस बी। नाउ ए माइनस बी
ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड में हम भेजेंगे तो ये कट जाएगा। नाउ ए की पावर 2n+1, और ये बी की जो 2n+1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे डिवाइड में, तो हो जाएगा बी की पावर 2n+1 और इक्वल टू में बचा सिर्फ 1। नाउ ये ए की पावर 2n+1 और बी की पावर 2n+1, इन दोनों की पावर सेम है तो हम पावर को कॉमन ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं इसको ए बाय बी की पावर 2n+1 और इक्वल टू में है हमारे पास 1, और 1 जो है किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो यहाँ हम 1 की जगह पे ए बाय बी की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ये हमने सिमिलर बेस करने के लिए किया है। नाउ दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो हम कंपेयर करके 2n+1 को 0 के इक्वल लिख सकते हैं, और 1 उधर जाएगा तो 2n आ जाएगा हमारे पास -1, और n की वैल्यू हो जाएगी, 2 को डिवाइड में भेजेंगे, -1/2, और ये n की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर है।